की कॉइन की कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, फिर उसको लिखते आर थीटा के। ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कार्टेशियन फॉर्म। अगर मैं इसको ओरिजिन से जॉइन करूँ तो ये जो डिस्टेंस है समझ में आया। तो इसके बैक साइड ये होता है पोल, ओरिजिन को पोल बोलते हैं।
इस पोल के रिस्पेक्ट में जो इसकी इमेज होती है रिफ्लेक्शन वही होता है माइनस आर कोमा थीटा। क्या ये बात समझ आई? या फिर ऐसा करो अगर माइनस आर कोमा थीटा को दूसरे तरीके से देखना है तो जो भी थीटा उसको फाइव प्लस कर दो, फाइव प्लस कहीं पर भी पॉइंट। अगर आर को निगेटिव लेना है तो थीटा के अंदर फाइव प्लस कर, वो कहाँ पहुँचेगा घूम फिर के, जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ पर आर कोमा थीटा की जो भी वैल्यू है थीटा बन, अगर आपको बोला जाए माइनस आर कोमा थीटा बन का आएगा तो इसमें फाइव प्लस करो, इधर आएगा माइनस आर कोमा। क्या ये बात समझ आई? अगर आर पॉजिटिव है तो पॉइंट वही होगा कहाँ पे, जहाँ पे थीटा वही होगा पॉइंट, और अगर आर नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, फाइव प्लस, ठीक है 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके में देखें तो ये जो पोल है इसके रिस्पेक्ट में उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इमेज आ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ है तो यहाँ, समझ गए? ये था पोलर कोऑर्डिनेट का। अभी अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कोई कोऑर्डिनेट दे दी जाए तो पोलर में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि 1, 2 इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, आप लोग वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो, आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 4 इक्वल टू आर मिला, और थीटा क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू रूट 3/1। कितना हुआ थीटा, थीटा कितना हुआ 5/3 मिला। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये रहेगा थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए पोलर फॉर्म में 2/5/3, इसके कोऑर्डिनेट बनाया। अब अगर इस फॉर्म में ना देखें और ये ले लिया जाए कि 5/5/2/3, अब इसका मुझे कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, ये कार्टेशियन फॉर्म था उसका पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट हुआ, समझ आया? पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करोगे बता सकते हो? एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट आर और थीटा, y कोऑर्डिनेट होता है r sin थीटा, क्लियर है? अब देखिए x क्या होगा, r कितना इधर 5, cos 2/3 कितना होता है cos 2/3 और 2/3 का मतलब 5 - 5/3 2/3 होता है cos 5 - थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, और ये कितना होता है माइनस, चलिए 5 - और ये कितना होगा y 5 sin 2/3 कितना होता है
कितने लोग बोलते हैं जो फर्स्ट में आएगा, चार खड़े करो, एक भी नहीं, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में कहीं तो आएगा, फर्स्ट और कोई फर्स्ट, कैसे आपको कैसे पता चला फर्स्ट? आप सर आपको कोई सपना देखा, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है या लॉजिक अगर रॉन्ग होगा तो सही हो जाएगा, कैसे पता चला 2.35 है फर्स्ट वर्ड? अगर आपने कुछ इधर नहीं आएगा ना, ये 5 2 5 3 5 3 5 इधर ही होता है, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 2 2.35। दूसरा वाला बताओ 2.-2.5, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ एक तो हो गई आगे माइनस माइनस कहाँ से काउंट होता है यहाँ से, और बिल्कुल सही बताया, इसका लॉजिक सही था कि ये 2 मतलब इसकी लेंथ होगी और -2.3 नेगेटिव एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नेगेटिव एंगल -2.3 मतलब -120 ये इधर है, और ये डिस्टेंस की 2 हो गई, 2.-2.3। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट वाला कौन बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? -3.4 आर नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है, तो हम पहले ही देखते हैं अगर ये पॉजिटिव हो तो कहाँ होगा, 3.35 इधर ही होगा 3.4 है ना, 3.4 और ये 3। अब आर नेगेटिव है इसका मतलब 180 प्लस कर दो इधर आ जाएगा, ये आया -3.35। क्या ये बात समझ आई? समझ आया सबको? जल्दी से नोट कीजिए,
एंटी कोऑर्डिनेट है, इन तीनों को आप कार्टेशियन फॉर्म में बना दो। फर्स्ट का क्या दूसरे का जीरो 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 थर्ड माइनस वन का माइनस वन माइनस वन बहुत सही। ये था पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर से कन्वर्ट कीजिए। आर क्या फाइंड किया आपने रूट टू, आर तो रूट टू मिला यानी को थीटा टेन थीटा वन बाय वन कितना हुआ फाइव बाय फोर, थीटा इक्वल टू फाइव बाय फोर। कौन सा क्वाड्रेंट चेक करो, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तीन जगह पाई माइनस फाइव बाय फोर कितना हुआ थ्री बाय फोर, तो रूट टू कॉमा थ्री बाय फोर। ज्योमेट्रिक खत्म हुआ, स्ट्रेट लाइन में चलता है। डेफिनेशन बताओ स्ट्रेट लाइन का लोकस है जिसमें आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो,
पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट इस लाइन में ही होगा। ये है लाइन की डेफिनेशन। मुझे बताऊँ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, लाइन तो आप समझते हो। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ये है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जहाँ पर कोई भी दो पॉइंट आप दो उठाएं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन से पूरा का पूरा लाइन करता है इसको, इस कर्व पे उस कर्व को बोलते हैं लाइन। समझ गए? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? कोई भी लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस को बढ़ता रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यस, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जो भी एंगल होता है वो होता है उस लाइन का इंक्लाइनेशन। यही बात समझ आई? लाइन की पूरी कहानी इसके आसपास होती है। तो क्या होता है, ये जो लाइन है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बना उसका अगर मैं 10 ले लूँ तो वो होता है स्लोप। समझ आया?
की लाइन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है और उसका एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो भी एंगल है उसका टेन टेन थीटा, ये होता है स्लोप, उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसको एम से लिखो एम। अगर लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल जीरो से, सॉरी ये एंगल कितना होगा 90 से 180 के बीच। अगर लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल जीरो से 90 के बीच, ठीक है। मैं थीटा की बात करता हूँ, थीटा आएगा जीरो से 90 के बीच, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई, टेन थीटा की वैल्यू जीरो से 90 पॉजिटिव होती है और 90 से 180 नेगेटिव, तो इस केस में स्लोप क्या आएगा, समझ गए। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप फाइंड कर लो स्लोप क्या होगा एंगल लगा, अगर एंगल गिवन नहीं है तो पॉइंट ही गिवन है तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे। क्या आपको दो पॉइंट गिवन है, ये इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और एक भी दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, अभी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसका स्लोप आपसे पूछा, हम क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। स्लोप होता है ये थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब मुझे तो 10 थीटा चाहिए ना, स्लोप चाहिए इसका दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप, तो क्या करूँगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी कोई बता सकता है, x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस x2 माइनस y1, तो 10 थीटा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। तो दो पॉइंट ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है से पास होने वाली लाइन का स्लोप जो होता है वो होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये है दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप। एक थीटा है वो 0 डिग्री हो तो थीटा 0 डिग्री तो लाइन कैसी होगी, थीटा 0 डिग्री है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स, 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर टू एक्स। यही बात समझ आई,
केस में स्लोप कितना होगा? इस केस में स्लोप कितना होगा? अगर थीटा जीरो है तो स्लोप कितना? जीरो। और थीटा 90 है तो स्लोप कितना? वन होता है। आपको 10 90 की वैल्यू नहीं पता, पता है ना? स्लोप क्या होता है? 10 थीटा है तो होता है, कितना ध्यान है आपको? 500 इकोनोमेट्रिक कितनी ध्यान है? 500 फर्स्ट है थीटा अगर पाई बाय 8 है, सेकंड केस थीटा अगर 3 पाई बाय 8 है, और थर्ड केस थीटा अगर 5 पाई बाय 12 है। स्लोप कितना होगा? फाइंड द स्लोप। थीटा पाई बाय 8, 10 पाई बाय 8 की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन रूट टू माइनस वन। हाँ स्क्वायर रूट टू माइनस वन। कैसे फाइंड किया था, याद है किसी को? किसी को ध्यान नहीं है? ये बताओ, 10 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 कितना होता है? 10 पाई बाय 4 होता है। अब इसमें 10 ए प्लस बी लगाओ, 10 पाई बाय 8 प्लस 10 पाई बाय 8 और 1 माइनस 10 पाई बाय 8 इसको 10 पाई बाय 8 और इसकी वैल्यू तो 1 होती, ये हो गया 210 पाई बाय 8, 210 पाई बाय 8 इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। क्या ये क्वाड्रेटिक है? कर सकते हो क्वाड्रेटिक। ये इधर आएगा 10 स्क्वायर पाई बाय 8, मतलब मैं 10 पाई बाय 8 को वाई ले लूं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y और ये माइनस 1 इक्वल, ठीक है? इस माइनस 1 की जगह मैं प्लस 1 लिखूं तो 2 इधर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब ये कितना हुआ? y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो y प्लस 1 कितना? तो y कितना? रूट टू माइनस वन, और y क्या था? 10 पाई बाय 8।
बार बाय एट मिल जाएगा। टेन थ्री बार बाय एट कौन बताएगा? देखो उसको क्या लिख सकते हो, कन्वर्ट करो ना जो आपको ध्यान है उसमें। 3 पाई को 4 पाई माइनस पाई लिख सकते हो, या 10 4 पाई माइनस पाई बाय 8, ये कितना हुआ 10 4 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन बताएगा कितना होता है? कॉट पाई बाय 8। ये हुआ कॉट पाई बाय 8 का मतलब 1 अपॉन 10 पाई बाय 8, 1 अपॉन 10 पाई बाय 8 कितना है 2 माइनस, मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 प्लस 1 से और डिवाइड करूंगा रूट 2 प्लस 1 से, कितना आया कितना होगा बोलो? 2 प्लस 1 ये आया, इसकी वैल्यू 2 प्लस 5 पाई बाय 12 का मतलब कितना होता है डिग्री में अगर पूछो आपसे तो कितना होता है 75 डिग्री ना, 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हो क्या? 10 75 डिग्री को 10 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो। अब 10 a प्लस b लगाओ कितना होगा 10 30 प्लस 10.45 आपके पास 10.45 की वैल्यू है 10.30 की 1/3 प्लस 1/(1-1/3) से मल्टीप्लाई तो 1+(√3)/√3-1 क्या करोगे स्पेशलाइज करोगे √3+(1/√3)+1 बताओ क्या आएगा तो बता सकते हो क्या होता है 4+√3 वेरी गुड 4+√3 और √3-1 × √3+1 2 आया इसके कॉमन निकालो कैंसिल करो 2+ ये आपका स्लोप हुआ बेटा अगर 5 पाई बाय 12 है तो टेन बीटा होगा 2+ नोट कीजिए पूरा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है बहुत मतलब बहुत चलिए इंटरसेप्ट क्या होता है कौन बताएगा क्या होता है
इंटरसेप्ट का मतलब देखिए, कोई भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस वो होता है एक्स इंटरसेप्ट। यही कर वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट वो होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया, ये है इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा जीरो एक्स कोऑर्डिनेट ए, वो इसका एक्स इंटरसेप्ट हो, और अगर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बी जीरो कॉमा बी, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट हुआ। और अगर कोई लाइन एक्स और वाई दोनों को इंटरसेप्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करी है उसका एक्स दिशा, ये एक्स इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट ये वाई इंटरसेप्ट, ये होते हैं बताया। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही तो उसका स्लोप क्या हो? इंटरसेप्ट का मतलब ये एक्स एक्सिस पे छूटना है जितना वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स पे छूटना है जितना माइनस वाई, तो दोनों ही केस में देखो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? कितना होगा?
135। अगर ये और ये दोनों इक्वल है, ये 90 है, ये 45 और ये 45 होगा ना, फिर ये 45 तो ये 135। 10 135 की वैल्यू 1 पर समझ आया काम से कर माइनस पर 10 135 से फाइंड करता है 10 135 डिग्री 10 180 माइनस 45 टर्म 10 180 माइनस थीटा मतलब होता है माइनस ऑफ 10 थीटा माइनस 1। आप लोगों को ये पता चलता है 180 माइनस 270 माइनस 270 प्लस, जब अगर 90 का मल्टीपल है तो चेंज करना है और 180 का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होता है। फिर आप बताइए दूसरा है लाइन और एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्लस वन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस
इसका बताओ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से नॉन जीरो डिस्टेंस इक्वल ही, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों एक्सिस पे इक्वल है तो क्या होगा प्लस माइनस वन। क्या ये समझ आया? दोनों एक्सिस पे इक्वल है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एक क्लास में डिफरेंट फॉर्म।